नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशन्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस सिविक्स का फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। ये इसका दूसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां तक हुआ था, आगे। अब आगे रीड द पैराग्राफ एंड राइट। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंट्रस्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे महत्वपूर्ण काम सर्वोच्च न्यायालय का क्या होता है? संविधान की रक्षा करना, संविधान को बचाए रखना। You are aware that the constitution is the fundamental law of the nation. संविधान जो होता है हमारा, वो हमारे देश का बुनियादी कानून अधिनियम होता है। उसके आधार पर ही फाउंडेशन है वो हमारे देश की, पॉलिटिकल फाउंडेशन। उसके आधार पर ही जो है बाकी लॉज बनाए जाते हैं। The parliament cannot pass any law that violates the constitution. हमारी संसद कोई भी ऐसा अधिनियम पारित नहीं कर सकती, कानून नहीं बना सकती जो संविधान के फाउंडेशन को मतलब झटका देती हो, संविधान के फाउंडेशन को वॉयलेट करती हो। ऐसा कोई भी लॉ पार्लियामेंट पास नहीं कर सकती। एवरी एक्ट और पॉलिसी मेड बाय द एग्जीक्यूटिव शुड ऑल्सो बी कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी जो अधिनियम बनवाया जा रहा है संसद में, या फिर कोई भी नीति जो बनवाई जा रही है नई सरकार द्वारा, शासन गवर्नमेंट द्वारा, वो संविधान के नियमों के अंतर्गत ही होनी चाहिए, संविधान के बाहर नहीं होना चाहिए। इफ एनी लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर और एनी एक्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव वायलेट्स एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सेड लॉ और एक्ट इज डिक्लेयर्ड इलीगल और स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट। अगर ऐसा कोई भी अधिनियम संसद बनाती है या फिर शासन बनाती है जो संविधान की बुनियाद को नहीं मानती, तो उसको अवैध करार दिया जाता है न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, और उसको कैंसिल करवाया जाता है। दिस पावर ऑफ द कोर्ट इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू। तो इस ये जो शक्ति होती है सर्वोच्च न्यायालय की, उसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। शुड द कोर्ट हैव सच अ राइट? क्या न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा अधिकार होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। नहीं तो अगर कोई पॉलिटिशियंस अपने स्वार्थ के लिए कैसे भी संविधान को तोड़ मरोड़ कर कैसे भी अधिनियम बनाएंगे, तो ये गलत बात है। ऐसा ना हो इसलिए न्यायालय जो है वो गारंटी करता है संविधान की रक्षा। सी दिस एग्जाम्पल। द कोर्ट हैड आस्क्ड कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इन इलेक्शंस टू डिक्लेयर देयर प्रॉपर्टी एंड इनकम डिटेल्स एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस थ्रू एन एफिडेविट। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जो चुनाव में खड़े होते हैं उम्मीदवार, उनको ये आदेश दिया है कि चुनाव में खड़े होते समय उनको एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा, शपथ पत्र जिसे कहते हैं, जिसमें उनको ये बताना पड़ेगा कि उनकी संपत्ति कितनी है, निजी संपत्ति, उनके इनकम के सोर्सेस क्या है, उनका इनकम कितना है, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शिक्षा कितनी है उनकी, ये सब उनको लिख कर देना पड़ता है चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को। द एम वॉज टू एंश्योर दैट द वोटर्स विल वोट ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट्स। इसके पीछे उद्देश्य क्या था? ताकि मतदाताओं को ये पता चले कि हम जिसे वोट देने वाले हैं, मत देने वाले हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पूरी पता होनी चाहिए कि कौन से कैंडिडेट कितना एजुकेटेड है, कौन सा कैंडिडेट की संपत्ति कितनी है, क्या उसने बहुत करप्शन किया है, उसका इनकम कम है और संपत्ति बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो क्या ऐसा करप्ट है वो, ये पता चले और उसको वोट्स ना मिले। इज दिस नॉट एन अटेम्प्ट टू मेक एन आवर इलेक्शन प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट? बिल्कुल, ये एक हमारे चुनाव में एक पारदर्शिता लाने वाली एक प्रोसीजर है, तो ये अच्छा है। और अगर इसमें गलत इन्फॉर्मेशन, झूठी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो उम्मीदवार का कैंडिडेचर
उसको इलेक्शन में खड़े होने पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है, और अगर वो चुनकर आया है ऑलरेडी तो उसका चुनाव रद्द भी किया जा सकता है। तो उसमें असली सच्ची इंफॉर्मेशन देना आवश्यक होता है। आर देयर एनी मोर सच ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस सब्जेक्ट, फाइंड आउट मोर ऑन दिस। ऐसे कई सारे ऑर्डर्स हैं जो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL रेफर्स टू लिटिगेशन फाइल्ड ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस बाई इंडिविजुअल सिटीजन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट इलिगेशन यानी जनहित याचिका कहा जाता है उसे, जनहित याचिका, उसके नाम से ही पता चल रहा है, जनहित याचिका यानी जनों के, लोगों के हित के लिए जो याचिका दाखिल की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है सर्वोच्च न्यायालय को कि आप इसमें ध्यान दीजिए और इससे रिलेटेड जो भी सरकार को आदेश है वो दीजिए। कौन ये करता है? PIL कौन दायर कर सकता है न्यायालय में? इंडिविजुअल सिटीजन, आप हम जैसे कोई भी एक नागरिक, या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, कोई सामाजिक संगठन, या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें NGO, NGOs भी कहा जाता है, अशासकीय संगठन, ये भी लोगों के तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकते हैं जो लोगों के हित के लिए होते हैं, ऐसा उनको लगता है। अगर न्यायालय को लगता है कि हाँ सचमुच ये लोगों के हित में होगा तो वो शासन को, सरकार को आदेश देती है कि इनके ऊपर कदम उठाए जाए। द कोर्ट थिंक्स ओवर द क्वेश्चन रेज एंड गिव्स इट्स डिसीजन। न्यायालय जो है इसमें पूछे गए सवालों पर, प्रश्नों पर अपना निर्णय देती है और उसके ऊपर काम करना पड़ता है शासन को। हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर्स द पार्लियामेंट विद द पावर टू एस्टेब्लिश अ हाई कोर्ट इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट इन द यूनियन। हमारे भारत के संघराज्य में हर एक राज्य में जो उच्च न्यायालय है उसको स्थापित करने का अधिकार हमारे संसद को दिया गया है संविधान द्वारा। करंटली देयर आर 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। हमारे भारत देश में अभी के लिए 24 उच्चतम न्यायालय है। देर इज अ चीफ जस्टिस अलॉन्ग विथ अदर जजेस इन द हाई कोर्ट। उच्चतम न्यायालय में बाकी न्यायाधीशों के साथ साथ उच्चतम न्यायाधीश भी होते हैं। ऑल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। उच्चतम न्यायालय के सारे जो न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं। द बॉम्बे हाईकोर्ट ज्यूरिसडिक्शन कवर्स द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। जो बॉम्बे हाईकोर्ट है, मुंबई का जो उच्चतम न्यायालय है, उसका अधिकार क्षेत्र किन कहाँ कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य, गोवा राज्य और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज, उनके ऊपर बॉम्बे हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र है, यानी उनका जो इन रीजन्स पर उनका अधिकार चलता है बॉम्बे हाईकोर्ट का। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है? ये अलग अलग स्टेट्स है, महाराष्ट्र, गोवा, फिर भी एक ही हाईकोर्ट क्यों है? क्योंकि गोवा बहुत छोटा राज्य है, तो उसके लिए अलग से हाईकोर्ट बनाने के बजाय हमारे पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया कि महाराष्ट्र और गोवा को एक ही हाईकोर्ट रखा जाए। और जो यूनियन टेरिटरीज है वो भी बहुत छोटे छोटे हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, वहां पर केसेस भी कम आते हैं इसके कारण। फाइंड आउट टू अदर सच एग्जांपल्स वेयर द हाई कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है, गुवाहाटी असम की राजधानी, गुवाहाटी का जो उच्चतम न्यायालय है उसका अधिकार क्षेत्र चार राज्यों पर आता है। कौन से? आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इन चार राज्यों पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र आता है। और दूसरा है हैदराबाद उच्चतम न्यायालय, हैदराबाद हाई कोर्ट, उसका अधिकार क्षेत्र तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन दो राज्यों पर आता है। तो ये कुछ उदाहरण है। फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के काम क्या होते हैं? टू सुपरवाइज एंड मेंटेन कंट्रोल ओवर द लोअर कोर्ट्स इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन। उसके अधिकार क्षेत्र में, उसके रीजन में जो भी लोअर कोर्ट्स, निचले न्यायालय आ रहे हैं, उन पर निरीक्षण रखना, उन पर कंट्रोल करना, नियंत्रण रखना। अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। राज्य में उनके अधिकार क्षेत्र में जो
फंडामेंटल राइट्स है नागरिकों के, जो मूलभूत अधिकार है, उनकी रक्षा करना, उनका हनन किया जा रहा है किसी के द्वारा, तो उनका रक्षा करना और उनको रोकना, ये उस उच्चतम न्यायालय का काम होता है। द गवर्नर सीक्स द एडवाइस ऑफ द हाई कोर्ट व्हाइल अपॉइंटिंग जजेस इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। राज्यपाल जो होते हैं, राज्य के प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, वो क्या करते हैं, उच्चतम न्यायालय की सलाह लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, जिला न्यायालय में न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट्स, जिला न्यायालय और निचले न्यायालय, दीज आर कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील तालुका लेवल। ये जिला के लेवल पर जो होता है, जनपद जिन्हें कहते हैं, उसके लेवल पर, या फिर तहसील तालुका के लेवल पर जो होते हैं, उनके वो कोर्ट्स यहां पर आते हैं। द पीपल जनरली गो टू दीज कोर्ट्स। जो लोग होते हैं वो सबसे पहले इस कोर्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट में। एवरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज वन डिस्ट्रिक्ट जज। हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हर एक जिला न्यायालय में एक जिला न्यायाधीश होता है। द ब्रांचेस ऑफ लॉ इन इंडिया। हमारे देश में अधिनियमों की कौन सी शाखाएं हैं, कानून की कौन सी शाखाएं हैं भारत में? दो मुख्यतः शाखाएं हैं। देर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ लॉ, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। दीवानी न्यायालय, सिविल लॉ, दीवानी अधिनियम, दीवानी कानून, और क्रिमिनल लॉ यानी फौजदारी कानून अधिनियम। ऐसे दो तरह के ब्रांचेस है। सिविल लॉ किसे कहते हैं? दिस लॉ डील्स विद कॉन्फ्लिक्ट्स विच अफेक्ट और इंटरफेयर विद द राइट्स ऑफ अ पर्सन। सिविल लॉ जो है किससे रिलेट करता है, ये सिविल लॉ जो लोगों के अधिकार है उससे जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे अधिकार? कॉन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग लैंड एंड प्रॉपर्टी, रेंट एग्रीमेंट, डिवोर्स एटसेट्रा। अगर लोगों के बीच में जमीन का विवाद चल रहा है, या फिर प्रॉपर्टी के ऊपर, घर हो गए, दुकान हो गए, उसके विभाजन के ऊपर अगर झगड़ा चल रहा है किसी दो लोगों में, या फिर रेंट एग्रीमेंट, किराए का जो एग्रीमेंट होता है उसके ऊपर झगड़ा चल रहा है, या फिर डिवोर्स, शादी में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके ऊपर अगर झगड़ा चल रहा है, तो ये सारे झगड़ों का उपाय जो है वो सिविल लॉ के अंतर्गत किया जाता है। आफ्टर फाइलिंग अ पिटिशन इन द रिलेवेंट कोर्ट, द सेड कोर्ट गिव्स अ डिसीजन। अगर आप वहां पर केस फाइल करते हैं न्यायालय में, तो दीवानी न्यायालय में, वहां पर न्यायालय जो है अपना निर्णय देता है। क्रिमिनल लॉ, फौजदारी अधिनियम। सीरियस क्राइम्स आर डील्ड अंडर क्रिमिनल लॉ। जो गंभीर अपराध होते हैं वो क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत किए जाते हैं सॉल्व। फॉर एग्जाम्पल, थेफ्ट, रॉबरी, डाउरी, मर्डर एटसेट्रा। कैसे? उदाहरण, चोरी करना, या डाका डालना, या फिर दहेज का खिलाफ, या फिर कोई हत्या करता है किसी की, तो ये सब जो है क्रिमिनल लॉ के अंडर आता है। इन दीज केसेस द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइल अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR विद द पुलिस। जब क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत करना होता है, तब पहली स्टेप ये होती है कि FIR दाखिल करनी पड़ती है पुलिस में। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी पहले जो आपको प्राइमरी इंफॉर्मेशन, जानकारी जो है किसी व्यक्ति को, कंप्लेंट दाखिल करने वाले को, उसको जो भी इंफॉर्मेशन है उस कंप्लेंट के बारे में, वो सब लिखकर देना पड़ता है पुलिस को। द पुलिस इन्वेस्टिगेट्स द मैटर एंड देन अ पिटिशन इज फाइल्ड इन टू द कोर्ट। तो पुलिस जो है उसके बारे में फिर जांच करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं केस को, और फिर पिटिशन जो है केस कोर्ट में दाखिल की जाती है। इफ द चार्जेस आर प्रूव्ड, देर आर प्रोविजंस फॉर सीवियर पनिशमेंट। अगर आरोप सिद्ध होते हैं किसी के ऊपर, चार्जेस यानी आरोप किया जाता है, तो वो सिद्ध अगर होता है, प्रूव होता है, तो उसके लिए बहुत कठोर दंड होता है, पनिशमेंट। द इंडियन ज्यूडिशरी हैज मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन अ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इंडियन ज्यूडिशरी, भारतीय न्याय व्यवस्था ने बहुत अच्छा काम किया है भारत के विकास में, हमारे देश के विकास में। कॉमन पीपल हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट इन द ज्यूडिशियल सिस्टम। जो आम लोग होते हैं, हमारे देश के आम लोग जो है नागरिक, उनको बहुत विश्वास है हमारे न्याय व्यवस्था पर, और आदर है, सम्मान है। द ज्यूडिशियरी इन इंडिया हैज प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल फ्रीडम, द फेडरल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत की न्याय व्यवस्था ने जो व्यक्तिगत स्वातंत्र है उसकी रक्षा की है, नागरिकों का स्वातंत्र जो है उसकी रक्षा की है। द फेडरल सिस्टम जो
जो संघ राज्य व्यवस्था है हमारे, यानी राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, केंद्र सरकार को कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो अगर कोई केंद्र शासन राज्यों के शासनों का अधिकार छीनना चाहती है तो उसको जो है न्यायालय रोक देता है। तो इससे हमारी संघ राज्य व्यवस्था भी अच्छी चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान की भी रक्षा की गई है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, न्याय व्यवस्था द्वारा। कोर्ट्स हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी इन इंडिया। भारतीय न्याय व्यवस्था ने हमारे देश में लोकतंत्र को बहुत मजबूत करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाठ समाप्त तो होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए।